हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो बिग बिलियन डे का सेल चल रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट कौन कौन से प्राइस के अंदर कौन कौन से फ़ोन मिलते हैं। और मैं दोस्तों बात करूँगा लास्ट मोमेंट डील को लेके, और साथ ही साथ 10,000 के नीचे से लेकर के 40,000 के ऊपर तक कौन सा वाला फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसी के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 10,000 के नीचे की फ़ोन से। तो पहला जो फ़ोन है दोस्तों, ये आते हैं हमारे Redmi 9 Power, और ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। यहाँ पर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलते हैं। मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये तो आप भी देख सकते हैं, और हर एक फ़ोन का जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस, यहाँ पर जो फ़ोन है इसका जो की फीचर्स है, किसके लिए आपको लेना चाहिए, दूसरे फ़ोन नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो इसका जो प्रोसेसर है ये काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट में। हालांकि ऐसे पोको M3 भी है, लेकिन उससे जो है ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है क्वाड कैमरा फीचर मिलते हैं। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है ये भी काफ़ी बेहतर है उसके मुकाबले। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 6000 mAh का बैटरी मिलते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 भी मिल जाते हैं, और 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं। तो ये है इस फ़ोन का की फीचर्स, जिसके लिए आपको डेफिनेटली 10,000 रुपये के नीचे या फिर उसके आसपास अगर आप कोई भी कार्ड यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकते हैं। हालाँकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है अभी ये दिखा रहा है दोस्तों 10,499 रुपीज़, यानी कि 10,500 रुपये। और अभी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको 20,000 के नीचे कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट मिल सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका पोको X3 प्रो, या फिर यहाँ पर और एक ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। डेफिनेटली ये भी एक काफ़ी अच्छा डील है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो पैसे है इसके फ़र्क आ जाते हैं। और अगर मुझे पर्सनली चुनना चाहिए तो मैं चुनूंगा दोस्तों ये पोको X3 प्रो, क्योंकि मैं एक पावर हंगरी जो फ़ोन होता है इसे ढूंढता हूँ, इसीलिए मेरे ख्याल से पोको X3 प्रो सबसे बेस्ट रहते हैं। और ये फ्लिपकार्ट पर जो दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अमेजोन। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आप अगर एक नॉर्मल यूज़र है, एवरेज यूज़र है, और साथ ही साथ आपको चाहिए एक डिस्प्ले वाला फ़ोन जिसके अंदर आपको बढ़िया सा पिक्चर क्वालिटी वगैरह मिले, तो डेफिनेटली आप के लिए है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, क्योंकि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जो सुपर एमोलेड है। और दोस्तों यहाँ पर पोको X3 प्रो जो है यहाँ पर आपको सिर्फ एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जिसके लिए जो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह है या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट है ये थोड़ा सा डल नज़र आने वाले है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर मिलते हैं, जो बहुत ही पावरफुल एक प्रोसेसर है। बाकी तो कैमरा वगैरह जो है ये Redmi Note 10 Pro Max और Poco X3 Pro में काफ़ी सिमिलर नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपको आई प्लीजिंग की बात करें या फिर इंस्टेंट रिजल्ट की बात करें तो मुझे Poco X3 Pro का कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पंचियर कलर्स वगैरह है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, यानी कि रेडी टू यूज़ टाइप का आपको फोटो प्रोड्यूस कर देते हैं। और गैस अब बात करेंगे 30,000 के नीचे जो फ़ोन है इसके बारे में, और नो डाउट दोस्तों यहाँ पर MI 11X 5G जो है ये बेस्ट फ़ोन है इस सेगमेंट में, और इसके बारे में कुछ बताने का है ही नहीं, सब कुछ इसका बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप दोस्तों IQ7 भी सोच सकते थे, लेकिन मैं उसके बाद क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब कुछ डिस्प्ले वगैरह तो काफ़ी सिमिलर ही मिलते हैं, लेकिन जो टास्क सैम्पलिंग रेट है ये इसके अंदर मिल जाते हैं 360Hz का, और जहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ 300 का ही मिलते हैं IQ7 के अंदर। देखिए रियल लाइफ सिनेरियोस में तो आप लोगों को इतना ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा इसमें, लेकिन जो गेमर लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका डिस्प्ले वगैरह, कैमरा वगैरह बहुत ही बढ़िया है, मैं खुद दोस्तों इसको यूज़ करके देखा है और ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 30,000 के ऊपर का कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। तो ये नो डाउट आईफोन 11 जो है सबसे बेस्ट है, जो 64GB वाला वेरिएंट है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बेस्ट फीचर मिल रहा है, और साथ ही साथ सबसे बेस्ट एक्साइटिंग प्राइस अगर की बात करूँ तो ये मिल रहा है दोस्तों आपको इसके अंदर, जहाँ पर आपको 39,999 रुपीज़ में मिल जाते हैं आईफोन 11, जो बहुत ही धमाकेदार फ़ोन है। इसके बारे में तो कुछ बताने का है ही नहीं, सबको पता ही है इसके बारे में। और गाइस यहाँ पर जो फ़ोन है देखिए,
ये 64GB वाला वेरिएंट ज़रूर है, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल फ़ोन है, ये आप सब लोगों को पता ही है। और इसका कैमरा क्वालिटी वगैरह कितना अच्छा है ये भी आप लोगों को पता है, और इसी सेगमेंट में इससे बढ़िया और कुछ मिल नहीं सकता है आपको। और अब अगर बात करें दोस्तों 40,000 के ऊपर के फ़ोन, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मुझे सबसे जो बेस्ट लगा है ये है OnePlus 9 5G, क्योंकि दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको सारे कुछ मिल जाते हैं, आपको पावर भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको दोस्तों परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले भी मिल जाते हैं। ये सेगमेंट जो है ये सबसे बिल्कुल फ्लैगशिप सेगमेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पर आपको सब कुछ दोस्तों तगड़ा ही देखने को मिलते हैं। जो कैमरा है ये हसलब्लेड ने प्रोवाइड किया है, तो डेफिनेटली नो डाउट यहाँ पर कैमरा क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया होने वाले है इस सेगमेंट में। और साथ ही साथ जो पावर है, यहाँ पर 888 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के, तो डेफिनेटली पावर के मामले में तो ये बेस्ट है। और अगर दोस्तों इसके ऊपर के फ़ोन की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी सारे तो ऑप्शंस है ही ऑलरेडी, आप अपने मर्जी से कोई सा भी फ़ोन ले सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 40,000 के ऊपर आप लेने वाले हो, तो आपके पास काफ़ी सारा कैश होना चाहिए, तो डेफिनेटली इसी पर आप लोगों का चॉइस क्या है और कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगता है ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। और सारे फ़ोन का जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप चाहते हो तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना था, अगर आप लोगों को पसंद आए होंगे ये वीडियो तो डेफिनेटली लाइक जरूर देना, इसके साथ ही अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।